तीर्थ क्षेत्र सांगानेर की यात्रा के लिए शनिवार को ललितपुर से सांगानेर के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। बैनरों और फूलों से सजी ट्रेन ने शनिवार की शाम 4 बजे ललितपुर से प्रस्थान किया, जिसमें सैकड़ों लोग तीर्थ स्थान सांगानेर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य है कि नगर में मंगलकारी क्रियाएं व्याप्त हों और लोग मानवता के लिए समर्पित हों, लोगों के अंदर प्रेम और करुणा की भावनाएं जागृत हों। इसका मूल उद्देश्य यही है कि पूरे जगत में मंगलकारी क्रियाएं व्याप्त हों और लोग यहाँ मानवता के लिए समर्पित हों और वेद शास्त्र गुरु के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति इस देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर इस मुक्त से जुड़े और उसके अंदर प्रेम। वहीं विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि शांति सामंजस्य बनाए रखने के लिए, भेदभाव और मन का मैल मिटाने के लिए इस तरह की यात्राओं में सभी को शामिल होना चाहिए। देखिए, शांति के लिए इस तरह की यात्राओं का आयोजन निरंतर होता रहे तो बहुत अच्छा होता है। इस यात्रा से निश्चित रूप से शांति का संदेश ललितपुर जनपद में के साथ साथ जहाँ जहाँ से भी ये यात्रा गुजरेगी वहाँ भी लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरह का वातावरण तैयार रहे। धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक बाबा सांगनेर जहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं उनके दर्शन के लिए हमारा पूरा समाज यहाँ से जा रहा है। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए ललितपुर से अशोक सैन की रिपोर्ट।